हेलो नमस्कार जोहार, मैं दीपक सागर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक सागर ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा टेलीविज़न की टीआरपी के बारे में। टीआरपी ये क्या होता है? ये होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, जिससे ये निर्धारित होता है कि कौन सा टीवी शोज कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना लोग उसे पसंद नापसंद कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये टीआरपी निर्धारित कौन करता है, इसका निर्धारण कैसे होता है? तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल नाम के संगठन है जो हर वीक टीआरपी और जीआरपी जारी करती है, रेटिंग पॉइंट की लिस्ट जारी करती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा शो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसे लोग पसंद कर रहे हैं। दूसरा शब्द मैंने कहा जीआरपी, ग्रॉस रेटिंग पॉइंट, जिससे ये पता चलता है कि कौन से चैनल का रीच कितने ऑडियंस तक है, कितने लोगों तक है, कितने व्यूअर तक है। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि टीवी की टीआरपी और जीआरपी। जैसा कि फिल्मों में होता है कि फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करती है तो वो हिट कहलाती है, कम करती है तो फ्लॉप कहलाती है। ठीक वैसा ही टीवी इंडस्ट्री में भी है, जो शोज अच्छी टीआरपी लाते हैं वो हिट माने जाते हैं, जो कम टीआरपी लाते हैं वो फ्लॉप माने जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वीक 41 2020 की जीआरपी और टीआरपी, मतलब ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल हर वीक की रेटिंग लिस्ट जारी करती है। तो इस वीक भी जारी किया गया है वीक 41 2020 का, तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ ये रेटिंग लिस्ट। तो इस वीक जो पाँचवें स्थान पर शो रही हुआ है बैरिस्टर बाबू, जिसकी रेटिंग 0.2 है। चौथे स्थान पे इस वीक दो शो हैं, एक है तारक मेहता का उल्टा चश्मा और दूसरा छोटी सरदारनी, दोनों की रेटिंग 2.1 है। वहीं तीसरे स्थान पे जो शो है और दूसरे स्थान पे जो शो है जो शो है नंबर वन शो इस वीक का, वो है अनुपमा, जिसकी रेटिंग 3.2 है। और अगर हम जीआरपी की बात करेंगे तो एनटीवी की जीआरपी 38 है, जबकि स्टार भारत की 48 है। सोनी सब 144 है, सोनी 134, जी टीवी 131, कलर्स 182 और स्टार प्लस जो कि टॉप पे है 238। जीआरपी मीन्स जिस चैनल की रीच व्यूवर्स ऑडियंस तक जितनी है। तो दोस्तों, अभी आपसे मैंने डिस्कस किया जीआरपी और टीआरपी के बारे में। ये आंकड़े ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल हर वीक जारी करती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि किस चैनल के किस शो को ऑडियंस ने कितना पसंद नापसंद किया, कितना लाइक किया, उसके आधार पर ये लिस्ट जारी करती है। और मैं आप लोगों के साथ हर वीक ये शेयर करता रहूँगा। अगर आप लोगों का कुछ सजेशन है तो प्लीज़ सजेस्ट और कमेंट करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया फॉर वॉचिंग माई वीडियो।